डॉक्टर द्वारा निर्देशित सभी टीके, दवाइयां, ड्रॉप आदि देने के बाद भी बच्चों को सर्दी खांसी जुखाम बुखार जैसे वायरल इन्फेक्शन से नहीं बचाया जा पाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब बच्चों को हम दवाइयां देते हैं, परिणाम ये होता है कि बच्चों की भूख मर जाती है और जिसके कारण से बच्चा धीरे धीरे निर्बल होने लग जाता है और बच्चे कमजोर होने की वजह से उसका शारीरिक मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। जब शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा तो बौद्धिक विकास कहाँ से होगा, और ऐसी स्थिति में बच्चा बहुत अधिक जिद्दी हो जाता है, निर्बल हो जाता है और वो हर बात पे रोने लग जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में माता पिता कई बार बहुत अधिक कष्ट पाते हैं, उनको लगता है कि क्या करें कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम आपको दो ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, और आज हम जो आपसे बताने जा रहे हैं वो है हमारे बच्चे के जन्म के बाद पहला संस्कार। जन्म से पहले संस्कार होते हैं उसकी बात हम पहले कर चुके हैं, बच्चे के जन्म के बाद पहला संस्कार जिसे हम जात कर्म संस्कार के नाम से जानते हैं, और इसी का दूसरा नाम स्वर्ण प्राशन संस्कार भी है। स्वर्ण प्राशन क्या है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और जात कर्म संस्कार ना होने की वजह से क्या क्या समस्या आती है उसके बारे में बताऊंगी, और यदि आप इनको ठीक से पालन कर लेते हैं तो क्या क्या लाभ है वो भी बताऊंगी। तो आप वीडियो पूरा सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपका जो बच्चा बार बार रोगी हो रहा है आगे भी आप उसे बचा सकते हो। कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, करनी होंगी, करेंगे तो समाधान संभव है। तो सबसे पहले आपको बता दूं जात कर्म संस्कार क्या है, उसके ना होने से जो समस्याएं आती हैं, और उसके बाद स्वर्ण प्राशन का भी आपको पूरा विवरण दूंगी। मित्रों, होता क्या है कि जात कर्म संस्कार जो है ना वो एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा संस्कार है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना उसी समय शहद और घी इन दोनों को सम मात्रा में मिलाया जाता है, कुछ जगह किंचित विषम भी कर लेते हैं ताकि उसका दुष्प्रभाव ना, क्योंकि सम मात्रा में शहद और घी ये विष बन जाते हैं, और ये विष ना बने इसके लिए इसमें गौमूत्र का छिटा दिया जाता है ताकि इसका विषाक्त पदार्थ रोका जा सके। अभी क्यों किया जाता है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। तो यदि ये बच्चे को जन्म लेते ही जब हम देते हैं ना, तो बच्चे के गर्भ से जो उसको विकार मिले हैं या बच्चे के पेट में जो भी कुछ समस्याएं हैं, जो भी उसमें विकारी पदार्थ है, वो सब के सब निकल जाएं, और वो विषाक्त पदार्थ, वो विष को विष ही मारता है आप जानते हो, तो उसको निकालने के लिए जात कर्म संस्कार आवश्यक होता है। और ये जो है ना कैसे होता है कि घी और शहद इसमें गौमूत्र का छींटा देकर बच्चे की जिह्वा पर ओम लिखा जाता है, सोना या चांदी की सलाई यानी कि उसकी लकड़ी जैसा बना के उससे ओम लिखा जाता है, घर के बड़े बुजुर्ग लिखते हैं क्योंकि ये सम्मान उन्हीं को दिया जाता है। अब ये जब क्रिया होती है तो बच्चे के अंदर के सारे जो दोष है वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपने देखो कि इसके लाभ बता दो, क्योंकि लाभ जो है ना वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, लाभ जाने बिना कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को जन्म के साथ पीलिया होता है, देखा होगा आपने, और पीलिया सामान्यतः कुछ बच्चों को हो जाता है। अब ऐसी स्थिति बन जाती है, किसी किसी बच्चे का बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि माँ यदि स्वास्थ्य नियम का पालन ना करे तो पीलिया बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे को एडमिट करना पड़ जाता है, और कभी कभी तो बच्चे के प्राण पर भी संकट आ जाता है। तो जन्म से होने वाला पीलिया इतनी रहेगा कि धूप से आप उसको ठीक कर सको और वो पीलिया नहीं होता है, ये सबसे बड़ा इसका लाभ है जो आजकल बच्चों को बहुत अधिक होता है। उसके बाद मित्रों दूसरा जो इसका बड़ा लाभ है ना वो पाचन तंत्र सुदृढ़ रहता है, यानी कि पाचन तंत्र सही है, मेटाबॉलिज्म वो चयापचय कहते हैं हिंदी में, वो यदि सही चलता है ना तो बच्चा जो आप दूध पिलाएंगे जो भी करेंगे उस बच्चे के सारी चीजें ठीक से पचती हैं, जिससे बच्चा सदैव पेट हल्का रहने की वजह से प्रसन्न रहता है और उसको समय पे भूख लगती है, रोता है, दूध पिला देते हो उसका पेट भी साफ हो जाता है, तो कोई समस्या ही बच्चे को नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा दूसरा लाभ है। अब जब बच्चा ठीक से दूध पी पाएगा, उसका ठीक से विकास हो पाएगा, खा पी पाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होगा, जिससे उनको वायरल इन्फेक्शन का प्रभाव नहीं झेलता है, और कभी जैसे कोरोना जैसी महामारी आ जाती है उसका प्रभाव भी ऐसे बच्चों पर नहीं पड़ता है। किंतु जो बच्चे दवाइयां खाते आ रहे हैं उनको तो जरा सी बात में सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तो उनको बार बार दवाइयां खानी ही पड़ती हैं, और ऐसी स्थिति में जब बच्चा बार बार बीमार पड़ता है ना तो माता पिता भी थोड़ा उससे डरते हैं कि भाई कुछ हो ना जाए, तो एक्स्ट्रा कुछ दवाइयां दे देते हैं। और मित्रों यदि आपने देखा हो तो कोरोना काल में अधिकांश वही बात थी कि नाक से लोगों की सांस ही नहीं चल रही है। बस मैंने तो 2017 में ऑक्सीजन बढ़ाओ रोग भगाओ वीडियो दिया था, लेकिन लोगों ने कोरोना के बाद उस बात को समझा कि भाई नाक से सांस चलना कितना आवश्यक है, और नाक से सांस नहीं चलती तो समस्या होती है, और ये
आप यदि ये जातरण संस्कार करते तो इससे बच्चों को बचाया जा सकता है और स्वर्ण प्राशन बाद में देने से ही बचाया जा सकता है। अब उसके बाद अगला जो है त्वचा जो है ना उसमें सुधार आता है। कई बार क्या होता है आपने देखो कि छोटे बच्चों की त्वचा थोड़ी वैसी होती है, मतलब खुरदुरी टाइप की होती है, उसको नॉर्मल आने में ये जातकर्म संस्कार और स्वर्ण प्राशन दोनों ही बहुत अच्छे से सहायता करते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चों को आप दवाइयां देते हो ना उसका शरीर सूखता चला जाता है, जिससे उसका त्वचा का रंग भी उतर जाता है और त्वचा में कई बार विकार भी आ जाते हैं और बड़े होने के बाद भी कई बार त्वचा विकार हो जाते हैं। ये पेट साफ ना होने की वजह से होता है, फिर शरीर में गर्मी बनती है तो त्वचा विकार होते हैं और त्वचा विकार का कोई भी रोग हो वो पित्त की समस्या के कारण से होता है। तो ये स्थिति यदि आप नहीं बनने देना चाहते अपने बच्चे की तो स्वर्ण प्राशन या जातकर्म संस्कार तो समय बीत चुका होगा पर स्वर्ण प्राशन देना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। उसके बाद जब बच्चे का स्वास्थ्य सही है, मतलब पेट सही है और उसको इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होगा। जब शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है तो बौद्धिक विकास भी उतना ही अच्छा होता है, जिससे बालक तेजस्वी बनता है, वो सहनशील भी होता है, वो बड़ी बड़ी चीजें करने में डरता नहीं, कतराता नहीं है और उसमें आलस नहीं होता है। क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका पढ़े रहने का मन नहीं करता, वो आलसी नहीं होता और उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, जिससे उसके सर्वांगीण विकास होते हैं और वो एक अच्छे बच्चे के रूप में समाज में आगे बढ़ता है, जो अपने माता पिता का भी ध्यान रखता है प्लस अपने राष्ट्र और समाज के लिए बहुत कुछ करता है, तो वो ऐसा बालक होता है। इसीलिए मित्रों ये स्वर्ण प्राशन को हमारे आयुर्वेद की भाषा में इसको पुण्यदायी और आयुवर्धक और मंगलकारी योग माना गया है। अब इसकी निर्माण विधि के इसमें क्या क्या औषधि होती है उसको भी मैं बता दूं। इसमें होता है स्वर्ण भस्म, क्योंकि इसका नाम ही स्वर्ण प्राशन, तो इसमें स्वर्ण भस्म मुख्य रूप से होती है। इसको हम घर में नहीं बना सकते क्योंकि पहले हमारे वैद्य बनाते थे, आज उसी प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो इसमें भी स्वर्ण भस्म उसके अलावा शंख पुष्पी, गिलोय, ब्राह्मी, मुलैठी, गौमूत्र, गो अर्क का भी अंश होता है, अश्वगंधा, शतावर, घृत, मधु, उसके अलावा कुछ 22-25 औषधियां और भी होती हैं और इसको आयुर्वेदिक विधि से यानी कि कुछ मंत्रोच्चारण के साथ इसका निर्माण किया जाता है, जिससे इसको पूरा संस्कार के रूप में तैयार किया जाता है ताकि बच्चों को संस्कारित करने के लिए इसको दिया जा सके। क्योंकि क्या है ना, आजकल पहले भी कुछ चीजें हो जाती थी कि भाई जातकर्म संस्कार नहीं हुआ है तो भाई उसके बाद भी आप इसको दे सकते हैं, और जातकर्म संस्कार करवाया भी है तो भी आप इसको बच्चे को उसकी आयु वृद्धि बल वृद्धि के लिए दे सकते हो। क्योंकि आजकल का रहन सहन खान पान बहुत अधिक बिगड़ा हुआ है जिसके कारण से बच्चों को बहुत अधिक समस्याएं आ जाती हैं, तो यदि आप इसको देते हैं तो ये समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। अब आपको बता दूं कि इसको कितनी मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि क्या है ना आयुर्वेद की भाषा में इसको अमृत योग भी कहा गया है और साथ ही इसको बालकों का सबसे बड़ा हितैषी माना गया है। यदि आप इसको अपने बच्चों को देते हैं तो आपके बच्चे सदैव स्वस्थ रहेंगे, इसलिए इसको देने की सही मात्रा भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो यदि आपका बालक 0 से यानी कि अभी जन्म लिया है और 6 महीने के बीच का है तो 1 बूंद स्वर्ण प्राशन की पर्याप्त हो जाती है उसके लिए। उसके बाद 12 महीने तक के बालक के लिए 2 बूंद पर्याप्त हो जाती है और उसके बाद 1 साल से ऊपर का हो जाता है तो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे के लिए 3 बूंदें पर्याप्त हो जाती हैं और 5 साल से, क्योंकि इस योग को आप 12 से 16 साल तक दे सकते हैं समस्या नहीं होती है, तो ये 3 से 5 साल से ऊपर जो होता है ना उसको आप 5-7 बूंद भी दे सकते हैं और डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की स्थिति क्या है, वो कितना उसको ले सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना अधिक देने से इसमें जो औषधियां हैं वैसे तो शीतल भी हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीजें विपरीत प्रभाव देती है, तो आप जब देंगे ना आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, जिससे आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना देना है। अभी कौन सी कंपनी का लेना ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है मित्रों। मैंने व्यास फार्मेसी देखी है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, किंतु मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रही हूं, उसके अलावा आपके विश्वास पात्र जो भी वैद्य हों, क्योंकि आपके आसपास कोई लोकल भी बनाते होंगे तो आपके आसपास कोई विश्वास पात्र वैद्य हैं, आप उनसे पूछिए कि भाई हमें कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। क्योंकि दत्त पापेश्वर के बारे में मैंने सुना है, वो भी काफी अच्छी औषधियां बनाते हैं, लेकिन हाँ
ये स्वर्ण प्राशन मैंने किसी भी कंपनी का प्रयोग करके नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको कोई कंपनी विशेष नहीं बता पाऊंगी। तो वो आपको आपके जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उनसे आप पूछेंगे तो और अच्छा बता पाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि मैं उतना ही आपको बताऊंगी जितना मुझे स्पष्ट रूप से पता है। अच्छा, यदि कई जगह इसको मैंने मंथली देते भी देखा है, लेकिन महीने में एक बार दिया जाता है। ये पुष्य नक्षत्र में दिया जाता है, जहां मैं अस्पताल में भर्ती थी ना, ये अहमदाबाद में रुक्मिणीबेन में, वहां हर पुष्य नक्षत्र के दिन इसको दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र के 27-28 दिन में, 26-28 दिन में, क्योंकि कभी थोड़ा आगे पीछे होता है, तो 27 दिन में नक्षत्र आता है। तो उस पुष्य नक्षत्र में वहां बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिया जाता है। और आप यदि अहमदाबाद में रहते हैं तो वहां देने जा सकते हैं और वहां पूछ भी सकते हैं कि भाई हम कौन सी कंपनी का प्रयोग करें, हमें यदि अपने बच्चे को देना है तो इस प्रकार आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। और मित्रों, जात कर्म संस्कार बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, मेरा बच्चा जन्म से मतलब जब वो थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो मैंने एक या दो बार उसको बुखार की दवा दी थी और उसका मैंने देखा कि उससे पहले दूध वगैरह ठीक से पीता था, उसके बाद उसकी स्थिति ये बन गई कि वो खाने को कुछ तैयार ही नहीं होता था। और 5 साल तक मैंने उसकी इस समस्या को झेला है। और आपको बता दूं, मुझे नहीं पता था जात कर्म संस्कार के बारे में, इसलिए मैंने नहीं करवाया। क्योंकि हम उस समय कहते ना कि हमारे बड़ों को नहीं पता तो हमको कहां से पता होगा, और हम कई बार कुछ चीजें पता लगाते नहीं है। आजकल भारत में बच्चे जो होते हैं ना, वो बाय चांस होते हैं, बाय चॉइस नहीं होते, इसलिए बच्चों के बारे में कुछ जानकारी होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी परेशान होते हैं, बच्चा भी परेशान होता है। तो ये वीडियो मैं आपको शिशु रक्षा प्लेलिस्ट में भी डालूंगी, साथ ही गर्भावस्था प्लेलिस्ट में रहेगा, ताकि आपके बच्चे को आप जन्म से होने वाले पीलिया को बचा सके और आप अपने बच्चे को सदैव स्वस्थ रख सके। क्योंकि जन्म के साथ ही क्या करनी है, तो आप कई बार बाद की वीडियो नहीं देखते तो समस्या हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। और मित्रों, आप क्या जानना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के विकास में अपने लिए क्या जानना चाहते हो, कमेंट करके बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको शिशु रक्षा, गर्भावस्था सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। अपने खानपान पर नियंत्रण करेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में आपके काम की और भी बहुत सारे वीडियोज हैं। आपको वीडियोज ना मिले तो प्रश्न करिए, हम आपको उत्तर हर जगह देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, हमसे कहीं भी प्रश्न करिए, उत्तर आपको हर जगह मिलेगा। तो ये वीडियो आपके कितने काम का रहा वो मुझे अवश्य बताइएगा। और आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं, उसके लिए आप सभी को हमारे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। वंदे मातरम।